हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू टेक्निकल्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वीवो वाई 12Z का FRP लॉक कैसे अनलॉक करें, वो भी दोस्तों बिना PC या कंप्यूटर के और बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए हुए। तो दोस्तों, फटाफट हमने वाईफाई को करा लेना है कनेक्ट। हमने वाईफाई को करा दिया है कनेक्ट और ये कुछ जैसे ही वाईफाई कनेक्ट होगा तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट पेज पर, गेटिंग योर फ़ोन रेडी और कॉपी ऐप एंड डाटा करके इंटरफेस आएगा। तो डोंट कॉपी पे हम क्लिक करेंगे और जस्ट सेकंड करके नया इंटरफेस आएगा जो लेगा थोड़ा वक्त। देख सकते हैं, योर फोन वाज रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग। तो यहाँ से यूज़ गूगल अकाउंट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये चेकिंग इन्फो करके ये थोड़ा सा लेता है वक्त और ये रहा FRP लॉक। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में ये बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और एग्री पे क्लिक करने के बाद दोस्तों गेटिंग योर फ़ोन रेडिंग जैसे आएगा बैक कर देंगे और यहाँ सी ऑल वाईफाई नेटवर्क पर क्लिक करेंगे और ऐड नेटवर्क न्यू नेटवर्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ माइक के आइकन पर क्लिक करेंगे और डिनाय कर देंगे। अब फिर से करेंगे वही काम, फिर एक बार और करते हैं और यहाँ से देख सकते हैं अलाओ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों ऐप इन्फो ओपन हो जाएगा ऐसा इंटरफेस और यहाँ से परमिशन में जाना है और यहाँ पे हमें सर्च वाले आइकन पे क्लिक करके लिखना है यूट्यूब। देख सकते हैं यूट्यूब वाला ऑप्शन इसमें दोस्तों वर्क नहीं कर रहा है, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, यूट्यूब ऐप इन्फो में गए और यहाँ से इसे हम ओपन करते हैं नीचे, या तो देखिए नोटिफिकेशन में जाते हैं एडिशनल सेटिंग इन द ऐप और यहाँ अबाउट पे जाने के बाद दोस्तों ये ऐसे ही ब्लैंक इंटरफेस रह रहा है और ये यूट्यूब वाला ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों सिंपली आ जाएंगे बैक और एक बार सेटिंग वाला भी देख लेते हैं कि क्या होता है सेटिंग वाले ऑप्शन से। दोस्तों बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, हमने देखा है और ये दोनों ट्रिक ज़्यादातर में वर्क नहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं ये भी वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आपको हम एक न्यू ट्रिक बताने वाले हैं जो कि 2023 का है। आप देख सकते हैं यहाँ इजी जैसे ही लिखेंगे ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और फर्स्ट वाले को क्लिक कर लेंगे और इनेबल कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर एक आइकन आ गया है ये इजी टच का और यहाँ से कुछ कस्टमाइज़ कर लेंगे। सॉरी दोस्तों, कस्टमाइज़ मेनू में ऐड कर लेंगे। क्या ऐड करना है? क्रोम को। देख सकते हैं यहाँ है नीचे क्रोम, इसके चेकबॉक्स को ऑन करके कस्टमाइज कर लिया, ये हो गया ऐड। और फिर इसके बाद हमें इसे स्वाइप करना या क्लिक करना है। जैसे ही देखिए क्लिक किया ये आ गया यहाँ, फिर क्रोम को हमें क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे वेलकम टू क्रोम का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ से एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ से फिर नो थैंक्स कर देंगे और यहाँ से दोस्तों हमें एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है AWD.ROM। तो फटाफट हम इसको यहाँ पे टाइप कर लेते हैं AWD.ROM। आप देख सकते हैं यहाँ रिकमेंड में आ गया ऑब्लिक FRP बाईपास और जैसे ही दोस्तों ये आपके सामने इंटरफेस आएगा पहले वेबसाइट को हमें ओपन कर लेना है और ओपन करते ही दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं कि ये वेबसाइट इतना सही है दोस्तों, ज़्यादा इस पर ऐड नहीं दिखाता है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ हम देखिए ओपन सेटिंग में जाते हैं, सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ सेटिंग करके आए और ओपन पर जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट ही आपका सेटिंग ओपन हो जाएगा। और ये देख सकते हैं वीवो वाई 12Z है और ये फन टच OS 11 है और यहाँ से हमें आना है रीसेट वाले ऑप्शन पे और रीसेट ऑल सेटिंग सबसे पहले कर देना है। और रीसेट ऑल सेटिंग करने के बाद दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इसके बाद अब क्या करना है। इतना करने के बाद दोस्तों ये ट्रिक इसलिए आपको बता रहे हैं दोस्तों कि आप इसे बिना PC या कंप्यूटर के और बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए ही FRP अनलॉक कर लेंगे, वो वीवो का कोई भी हैंडसेट हो या वीवो वाई 12, 15, 17, 20। ज़्यादातर फ़ोनों में दोस्तों ये ट्रिक अप्लाई हो रहा है। फटाफट वही पूरा काम कर लेते हैं जो हमने किया था, अपने वाईफाई को करा देते हैं कनेक्ट और फिर यहाँ से आपको वही पूरा प्रोसीजर है दोस्तों जो जैसे हमने पहले किया था। और वहाँ पर बस हमें एक काम करना है, सेटिंग में जाके हमें देखिए अलाउ पे गए और ये अलाउ पे क्लिक किए, यहाँ पे अब हम सीधे वो इजी टच पे जाएंगे, परमिशन पे जाके यहाँ पे सर्च आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे इजी, देखिए इजी पे गए और यहाँ पे टच लिख देंगे TOUCH और जैसे ही देखिए पहला वाला ऑप्शन आया इसे इनेबल कर देंगे और कस्टमाइज कर लेंगे इसे भी। और कस्टमाइज करने के बाद दोस्तों हमें क्रोम को यहाँ पर ऐड करना है कस्टमाइज करके,
ये ट्रिक दोस्तों वीवो वाई 12, 15, 17, वीवो वाई 20 ज़्यादातर फ़ोनों में ये अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। अगर ना हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका 100% सोल्यूशन देंगे कि आपको कैसे अनलॉक करना है। दोस्तों देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन हो गया है और यहाँ से दोस्तों हमें यूज स्क्रीन लॉक पे क्लिक करना है और यहाँ पे पैटर्न, पिन, पासवर्ड कोई सा जो आपको याद हो उसे ड्रा करना है। और यहाँ देखिए फिर से हमने ड्रा किया, ये दोस्तों देखिए जैसे ही ये लग जाएगा देख सकते हैं ये इंटरफेस आ जाएगा, ये ऑल सेट यस सेट करके ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ से हम देखिए हमने यहाँ लॉक किया और वही पैटर्न ड्रा किया जो हमने लगाया है, तो ये हो गया अनलॉक। तो दोस्तों इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए क्योंकि ये बिना पीसी कंप्यूटर और बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए हमने अनलॉक कर दिया है। और दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम 100% उसका सोल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। और इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो देख सकते हैं वेरीफाई पैटर्न, यहाँ पे पहले पिन था, आप देख सकते हैं यहाँ जैसे हमने पैटर्न ड्रॉ किया चेक इन इन्फो और आपके सामने ये रहा इंटरफेस ये गूगल अकाउंट का। तो वीडियो को लाइक कर दिए, देख सकते हैं यहाँ स्किप का आ गया ऑप्शन, तो यहाँ से फिर कर लेते हैं फटाफट स्किप। और स्किप करने के बाद दोस्तों हम आपको आगे के ये होम स्क्रीन सेटअप, आपको ये पूरा होम स्क्रीन सेटअप का प्रोसेस है आगे का, स्किप कर देते हैं, ये थोड़ा ले रहा है वक्त। तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए अगर वो इस प्रॉब्लम से सामना करे तो वो इसे अनलॉक कर सके। देख सकते हैं सेट योर मेथड, यहाँ से और भी सारे फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक लगा सकते हैं। और यहाँ से हम स्किप कर देते हैं और फटाफट आपको होम स्क्रीन ला के दिखा देते हैं। ये देखिए ये रहा हमारा होम, यहाँ से स्किप कर देंगे इसे भी। और इसके बाद ये हमारा रहा कंग्रेचुलेशन योर फोन इज रेडी, और ये रहा हमारा होम स्क्रीन। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों अगर लाइक नहीं किया है तो। और कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आपको कहीं भी हो रही हो आप हमें कमेंट करिए, हम 100% उसका सोल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। देख सकते हैं फिर हमने लॉक किया और वही पैटर्न ड्रा करना है, देखिए ये हमने बनाया था और ड्रा किया, देखिए ये अनलॉक हो गया। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ये देखिए वीवो वाई 12Z है आप देख सकते हैं, और ये फन टच ओएस 11 ग्लोबल वर्जन है, और ये देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन 11 है। तो दोस्तों फिर से हम आपसे कह रहे हैं कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि ऐसे ही वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हों।